और आप ये देखिए कि इसमें दरगाह की भी जो है वो फोटो है, और इसमें जो है वो आपको दिख रहा होगा कि गणेश जी की भी तस्वीर है, बजरंग बली की भी तस्वीर है, और इधर ये राम दरबार भी, राम दरबार है। ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल जो है नई चीज देखने को मिली है। मैं अभी तक इतनी जगह पर, अलग अलग जगह पर रिपोर्टिंग की है, खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग की है मैंने, और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग में तस्वीर मेरे को देखने को नहीं मिली है कि जहाँ पर राम दरबार भी एक ही तस्वीर में है, जहाँ पर दरगाह की फोटो भी है, और जहाँ पर जो है वो गणेश जी भी है और बजरंग बली भी है। हमारे देश में ये जो तस्वीर है, मुझे लगता है कि बड़ी शानदार तस्वीर है। आपका नाम फिर बता दीजिए। भोजराज जी, सलाम सैल्यूट है आपको। थैंक यू। ये दरगाह है, आप जो सामने देख रहे हैं ये दरगाह है, लेकिन इस दरगाह के बाहर आप देखिए जो जितनी भी दुकानें हैं, ये जो दुकान है चाय की, चाय नाश्ते की जो दुकान है, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान है। इधर आप ज़रा दिखाइए, ये जो है यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह लेकर के जाने का, तो वो भी ये इन महिला का। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रेणकम्मा। ये इनसे पूछ करके बताइए कितने समय से ये दुकान इधर है? इधर आई अंदर उनके दादा बाप दादा के तब से भी ये इसका सेवा भी कर रहे हैं। ये सेवा के लिए उन्होंने ये धर्म सेवा का इम्पोर्टेंट इनका। कितना बोला? 50 साल। 50 साल से इनके बाबा पापा, इनके अम्मी थे, तब से इन्होंने कर रहा है। तो आपका कब से ये दुकान है? साल से भी है। लेट फेस्टिवल में जुलूस चलता है, प्रसाद यहाँ दरगाह में चलता है, पूरे लोग सारे लोग गणेश फेस्टिवल में जो जुलूस निकलता है गणेश का, विसर्जन के बाद इधर प्रसाद चलता है, इधर ये दरगाह में विसर्जन के बाद इधर प्रसाद चलता है। ये आप कैमरे के लिए बोल रहे हैं या सच में ऐसा है? सच में सही है। हम इस दरगाह के खादिम हैं। अच्छा, ये अब से नहीं है, यहाँ इस गांव में हिंदू मुसलमान एकता रहने के लिए, एकता पुरखों से ये रिवाज चल के आई कि गणेश चतुर्थी जब होती है ना, जब गणेश का विसर्जन होता है, उस वक्त इस दरगाह पे, नानावली की दरगाह पे प्रसाद चढ़ाते हैं। हिंदू लोग भी आते हैं खाने के लिए, मुसलमान भी लोग भी आते हैं खाने के लिए। हम इधर इंडियन की तरह हैं, हम पूरे हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान वाले पूरे हम सब भाई लोग हैं, ऐसी तरह हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान ऐसा नहीं जी रहे इस गांव में। हम पूरे हिंदुस्तान वाले पूरे एक हैं, कोई जात पात नहीं, सब एक हैं, इसी तरह जी रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश में कई अलग अलग इलाकों से खबरें सामने आती हैं, लोगों का आई कार्ड चेक करके ये पता किया जाता है कि तुम कौन धर्म से हो, तुम कौन जात हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे वक्त में आज भारत में एक अलग तारीख है। आज 9 अक्टूबर की तारीख है, और आज महर्षि वाल्मीकि की भी जयंती है, और आज ईद मिलाद भी है। तो ऐसे में एक दरगाह के बाहर कर्नाटक में ही हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, और बात करने से पहले चीज़ है यहाँ पर जो देखी हमने, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दरगाह है, आप जो सामने देख रहे हैं ये दरगाह है, लेकिन इस दरगाह के बाहर आप देखिए जो जितनी भी दुकानें हैं, ये जो दुकान है चाय की, चाय नाश्ते की जो दुकान है, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान है। इधर आप ज़रा दिखाइए, ये जो है यहाँ पर जो प्रसाद वगैरह लेकर के जाने का, तो वो भी ये इन महिला का। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रेणकम्मा। ये इनसे पूछ करके बताइए कितने समय से ये दुकान इधर है? इधर आई 20 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಧರ್ಮನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಾತೆನವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇವು ಕ್ಯಾ ಕರಿ ಕಿತನೆ ಟೈಮ್ ಸೇ ದುಕಾನ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ರುಕೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರ್ಕೆ ದಾದಾ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೆ तब से भी ये इसका सेवा भी कर रहे हैं। ये सेवा के लिए उन्होंने ये धर्म सेवा का इम्पोर्टेंट इनका। ठीक है, तो ये आप ये कह रहे हैं कि इनके जो है पुरखों के समय से ही ये जो है दुकान है, और ये दरगाह की सेवा भी करते हैं, और ये अपनी दुकान भी चलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा, ये देखिए आप ये फूलों की जो है, ये दरगाह पर जो है फूल भी चढ़ते हैं। थोड़ा एक बार हम आपसे बात करेंगे, एक बार इन दुकान वालों को जो है वो थोड़ा दिखा देते हैं। और ये आप देखिए, आपका कब से दुकान है ये? थोड़ा कोई एक हिंदी में मेरे को। कितना बोला? 50 साल से इनके बाबा
बाबा था, इनके अम्मी थे, तब से इन्हों कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। उनके बाद इन्हों इसी तरह से उनकी भी दुकान है। हाँ वो ठीक है, एक बार थोड़ा उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ ये आपका क्या नाम है? नाम क्या है? नाम राधम्मा। हाँ तो आपका कब से ये दुकान है इधर? निम्म अंगड़ी ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಾಗಿಂದಲೂ 70 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ। 70 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಐತೆ। 70 ಸಾಲ से भी है। ठीक है, तो देखिए यही भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। 70 साल से किसी की दुकान है, किसी की पुरखों से दुकान है और यही जो है शायद भारत की असली तस्वीर है कि हिंदू और मुस्लिम वो एक साथ हैं। यहाँ पर दुकानें आपस में चल रही है, एक दूसरे का कारोबार भी है, एक दूसरे के धर्म की इज्जत भी करते हैं, एक दूसरे के धर्म का साथ में लगाव भी है और यही शायद भारत की तस्वीर भी है। लेकिन पिछले कुछ एक समय से लोगों के आई कार्ड चेक करके ये पता किया जाता कि तुम कौन धर्म से हो। तो ये थोड़ा सा हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? रहमतुल्ला। तो आज क्या कहेंगे आप? वाल्मीकि जयंती भी है और ईद मिलाद भी है, क्या कहेंगे? इधर तो सभी धर्म एकता होके चलते हैं। हाँ। इधर जो आंजनेय स्वामी देवल है वो इधर है, ये दानावली दरगाह है, कोई भी त्यौहार चलता है उधर तो पहले प्रसाद लेके जाते हैं सभी के। इधर चिकना हर डिस्ट्रिक्ट टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन है, एकता होके जाता है। गणेश फेस्टिवल में प्रसाद जुलूस चलता है, प्रसाद यहाँ दरगाह में चलता है, प्रसाद इधर पूरे लोग को सारे लोग को। गणेश फेस्टिवल में जो जुलूस निकलता है, गणेश का विसर्जन के बाद इधर प्रसाद चलता है, इधर ये दरगाह में विसर्जन के बाद इधर प्रसाद चलता है। ये आप कैमरे के लिए बोल रहे हैं या सच में ऐसा है? सच में सही है, सही है, सही बात है, सही बात है। तो आपका नाम क्या है? समीउल्लाह। तो आपको ये नहीं लगता कि गणेश का प्रसाद यहाँ क्यों चढ़ा दिया, या उनको ये नहीं लगता कि हम अपना गणेश का प्रसाद यहाँ क्यों चढ़ाएं? इधर भेदभाव नहीं, सौहार्द है। बरमई लेड़ बरमा। हाँ बोलिए बोलिए। देखो हम इस दरगाह के खादिम हैं। अच्छा, ये अब से नहीं है, यहाँ इस गांव में हिंदू मुसलमान एकता रहने के लिए, एकता पुरखों से ये रिवाज चल के आई कि गणेश चतुर्थी जब होती है ना, जब गणेश का विसर्जन होता है उस वक्त इस दरगाह पे, नानावली की दरगाह पे प्रसाद चढ़ाते हैं। हिंदू लोग भी आते हैं खाने के लिए, मुसलमान भी लोग भी आते हैं खाने के लिए, और प्रसाद ऐसा चढ़ता है कि हजरत के ऊपर फातिहा के बाद चढ़ता है। तो इनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे गणेश का प्रसाद दरगाह में क्यों जाइए? आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा दरगाह के अंदर इनके गणेश का प्रसाद क्यों आए? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सब इधर ऐसा माहौल में हैं कि हम इधर हिंदू या मुसलमान की तरह नहीं है, इधर हम इधर इंडियन की तरह है, हम पूरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वाले पूरे हम सब भाई लोग हैं, ऐसी तरह है हम हिंदू हैं, हम मुसलमान ऐसा नहीं जी रहे इस गांव में, हम पूरे हिंदुस्तान वाले पूरे एक हैं, कोई जात पात नहीं, सब एक है, इसी तरह जी रहे हैं। ये बोल आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती है। चलिए आपको आती है हिंदी? बोलो बोलो। तो थोड़ा थोड़ा इधर आइए, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा इनको पूछ के बताइए कि आप हिंदू है ना? आप हिंदू है, क्या नाम है आपका? माजी अध्यक्ष माजी सदस्य अशोकन था। अच्छा, आप जरा पूछ के बताइए। नम ताता मुत्तातर काल दिंदल पावर पोस्ट। एक मिनट, थोड़ा रुकिए, मैं उनसे पूछ करके बताइए कि वो गणेश जी का प्रसाद इधर दरगाह में चढ़ता है तो उनको कैसा लगता है, मतलब ये पूछ के बताइए। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि फला जो है व्यक्ति अगर आ गया तो अशुद्ध हो गया, धोना पड़ेगा। नहीं, गणेश विसर्जन ना मार्बती एल्लारू सेरकोंडो नीव माडिदाद मेले तातेनोर बैग बंदु ना ऊटद व्यवस्थे माड्कोंडो एल्ला हिंदू मुस्लिम अंत हेळि ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾರ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದು ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಲೇ ಎತ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಹೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕುದುರೆ ಉತ್ಸವ ಹೊಡಿಸಿ ಊರ್ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ये कह रहे हैं कि करने जो जो काम जो होता है प्रसाद का, इसमें हमको कोई भेदभाव नहीं देखता, अच्छा लगता बोलती है। और जब ये बोल रही है तो आप कैमरे में पता नहीं देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनकी गर्दन के पास में इनके रोंगटे खड़े हैं। ठीक है, जब ये बोल रही है तो गांव की औरत के सामने कैमरा लेके आएंगे तो नहीं, नहीं, नहीं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी जो है ना वो अंदर की बात जो कभी उसने बोली नहीं होती है, वो तब भी जब वो बोलता है पहली बार तो वो उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है, और जो बनावटी होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आप कैमरे में शायद देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनके गर्दन के पास में रोंगटे जो है वो खड़े हैं। तो ये
देखिए मैं इसी चीज को जो है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएसटी भाई की मदद बोधा क्या कह रहे हैं ये जीएसटी के बारे में बात करना है क्या? जीएसटी बताइए क्या जीएसटी बगे इडी देश ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 3-4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. आज हमारे देश में जीएसटी के नाम से इतना पैसा कलेक्ट कर को है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा और वो सब भी गवर्नमेंट में भी ऐसा कलेक्ट नहीं हुआ नहीं हुआ था उसके वो ऐसा बोलते हैं जनसामान्य वो पैसा कहाँ गया वो पूछ रहे हैं जनसामान्य रिगे वरे आगता ही रहे आदरे इधर ना यारों ये यारों इतना मरते ला प्रति वंद कुटुंबा ಅವರಿಗೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಲೆ ಬಿ ಹರ್ ಆದ್ಮಿ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೈಸಾ ಹರ್ ರಕಮ್ ಕೆ ತರೀಕೆ ಸೆ ಬಿ ವಸೂಲ್ ಹೋ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ये कम कर दो 5-6 हज़ार रुपए तो जीएसटी को लेकर के लोगों में यहाँ पे जो है एक वो है कि इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है जीएसटी के रूप में इतना टैक्स आ रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है ये बड़ा सवाल यहाँ पे लोग कर रहा है. ठीक है आप बताइए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के किस तरह की चीजें हैं क्योंकि हमने कई बार खबरें हम देखते हैं कि फलां शहर में फलां जगह पर आई कार्ड चेक किया जा रहा है कि आई कार्ड चेक करके ट्रेन में हो बस में हो बाजार में हो कि यहाँ पर इसकी दुकान नहीं लगेगी वहाँ पर उसकी दुकान नहीं लगेगी ऐसी खबरें जब आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं भैया इधर कुछ वैसा नहीं हो रहा कुछ वैसा प्रॉब्लम क्या भी नहीं है इधर आपके इधर ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन जिधर जिधर होता है उधर उधर के लोगों को क्या बोलेंगे? वो भगवान जाता भैया हम उधर का बात नहीं करता है हमको नहीं उधर का पता नहीं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे उनका हम बात करते हैं मिलजुल के जाना है एक जिंदगी एक सफर है एक दिन सभी जाना है मिलजुल के जाना है सभी मिलके जिंदगी गुजारना है लड़ना है झगड़ने में क्या भी फायदा नहीं उसमें क्या भी नहीं होता दुनिया एक दिन की दुनिया में कहीं को लड़ना है सभी खून लाली है ना सभी लाली है सभी जिंदगी में आफ्ताब है सभी भाई भाई हर से का है उसमें क्या होता है सभी मिलके जाना है बस ये क्या होता है ये राजकीय वाला दाल 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 के दुनिया में दिमाग को खा लिया है बस. हाँ तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी जगह पर जहाँ पर वो आई कार्ड चेक करता है तो उन लोगों के लिए हमारा संदेश ये है कि एक ही दिन जो है वो एक दिन एक दो चार दिन की जिंदगी एक दिन सबको जाना है तो मिलजुल करके रहना चाहिए. और ये दिखाइए जरा आप ये दरगाह के पास से गाय जा रही है दरगाह के पास से जो है वो गाय जा रही है तो गाय भी जो है वो गाय रखते हैं आप लोग इधर? गाय हमारे पास भी है गाय सभी रखे हैं हिंदू मुसलमान सभी है इधर नागाने वाले बसु जयंती में जब भी गाय को सजाया जाता इस दरगाह पे लेके आके जाता. ये आप सब लोग कैमरे के लिए सारी बात बोल रहे हैं? कैमरे के लिए नहीं चिकना नली के हर एक हिंदू से ये बात पूछिए आप यही बात निकलेगी डंके के चोट पे बस पूछ करके बताइए इनसे पूछ के बताइए बसवन जयंती ले इधर हसुगळ बत्तवल हेळ रही बसवन जयंती बताइए बताइए जो बोली आप कन्नड बोली कन्नड बसवन जयंती दन बर्तवल तात गोरील बंदे हम पूजे मास्कुगे बंद आचे हे. अच्छा तो ये देखिए मैं कन्नड में जो है वो इसलिए बुलवा रहा हूँ ताकि हमारा जो दर्शक कोई दर्शक जो है वो अगर कन्नड़ समझने वाला है तो नीचे कमेंट में लिख करके जो हिंदी दर्शक है हमारे उनको बता दें कि ये साहब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं और ये मैडम जी जो है वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है वो चीज़ जो है लोगों के सामने आनी चाहिए क्योंकि सच जो है वो ज़रूरी है और सच बात जो है वो सामने आनी चाहिए. कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कौन बनावटी है कौन जो है वो असलियत का है. अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा आइए थोड़ा आप आगे आइए ये बात करेंगे थोड़ा इधर आइए बोलो. हम ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश में अलग अलग जगह पर चीज़ें चलती हैं कार्ड चेक करके पता किया जाता है कि तुम कौन हो तुम कौन हो तुम ये काम करोगे नहीं करोगे तुम यहाँ करोगे या नहीं करोगे क्या कहने चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? अरे हम तो बाबा के गरीब हैं बाबा के गुलाम हैं बाबा के पास रहते हैं जो भी आते हैं उनका सदका मंग लेते हैं खाते हैं ये दहरा बजाते हैं खवाली गाते रहते हैं मंगले खाते रहते हैं. लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं हमें कुछ भी बोलने होता नहीं आप लोग तुम्हें तो पूरा समझ है तुम ना पूरा मालूम है. देखिए जो ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है तो वो किसी के लिए कुछ कहता ही नहीं है तो ये भी एक जो है वो बात होती है कि जो ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होगा वो किसी के लिए जो है वो कुछ नहीं कहेगा. हाँ तो ये देखिए ये
दुकान है इनकी, एक बार थोड़ा आप रुकिए यहाँ पर, हम लोग बात भी करेंगे आपसे भी। तो ये दुकान है जिनकी, चाय पानी की, चाय नाश्ते की। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? भोजराज। 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 तो इधर कितने समय से आपकी ये दुकान है? सुमारो से 8 ईयर्स। हाँ, 8 साल से दुकान है। कैसे आप लोगों को लगता है इधर दरगाह के बाहर जो लगातार एक देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल होता है, कई बार आप भी खबरों में देखते होंगे, तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो चीजें होती है यहाँ पे है या नहीं है? अन्न तम गुड़ी देंगे अदेन अल तातार पवर जैसे बहुत शानदार चीज है। देखिए जरा, देखिए जरा, ये देखिए आप, इन्होंने एक फोटो लगाया अपने मंदिर के अंदर, और यहाँ पर जरा थोड़ा साइड हो जाए आप, यहाँ पर आप देखिए कि लाइट, अगर ये बिजली अगर इसमें आ सकती है तो जरा दिखाइए, और आप ये देखिए कि इसमें दरगाह की भी जो है वो फोटो है, और इसमें जो है वो आपको दिख रहा होगा कि गणेश जी की भी तस्वीर है, बजरंग बली की भी तस्वीर है, और इधर ये राम दरबार भी है। राम दरबार। तो ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल जो है नई चीज देखने को मिली है। मैं अभी तक इतनी जगह पर, अलग अलग जगह पर रिपोर्टिंग की है, खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग की है मैंने, और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग में तस्वीर मेरे को देखने को नहीं मिली है कि जहां पर राम दरबार भी है की तस्वीर में है, जहां पर दरगाह की फोटो भी है, और जहां पर जो है वो गणेश जी भी है और बजरंग बली भी है। ये क्यों लगाया आपने? कोई कहेगा कल आकर के कि आप तो जो है वो दोनों धर्म के लोगों का वो अशुद्ध अशुद्ध कर दिया है। धर्माना दिलवा नवेला वंदे है। क्या कह रहे हैं? नवेला वंदे है। ये बोल रहा है, हम ये देव वो देव नहीं, सभी एक ही छे, हमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई सके है, हमें आज को हमारे भेदभाव नहीं है, जो हमें मरे ये इंडिया के मट्टी में छमना गाड़ेगा। नहीं नहीं वो बोल रहा है। हाँ ठीक है, इनको अलादा गाड़ो, इनको अलादा गाड़ो को मट्टी ना मना ना करेगी। ठीक है ना, ना उसको मनाने के बाद हमने में क्या है हमारा, हमारे में? मैं एक इनसे आप ही पूछिए और मेरे को हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इन्होंने राम दरबार और ये फोटो भी लगाई और दरगाह की फोटो भी लगाई, कल को कुछ लोग, इनको डर नहीं लगता कि कल को कुछ लोग घुसेगा दुकान में कि तुमने जो है ये इधर ये दरगाह का फोटो लगा करके, भगवान का फोटो लगा के सब धर्म कर दिया है? देखो ऐसा घुसने के बहाने में आज लोगों सुने नहीं हो। नहीं नहीं, आप ये सवाल इनसे पूछ के बताइए। फोटो हाकिद्रिंद बेरार बंद यार गलाटे मार्तार आतर समस्त आतर आतर क्रिएट ಏನು ಗಲಾಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಕ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। उर्दू में क्या बोलते हैं? हजरत सैयद मोदीन शाह कादरी नाना वली को, ना हजरत सैयद मोदीन शाह कादरी को बोलते हैं, मगर गैर खुम क्या बोलते हैं? तातैया बोलते हैं। तातैया बोलते हैं। तातैया बोले तो कन्नड़ा में एक हमारा दादा साहब कैसे साहब। चलिए, तो ये जो हम कह रहे थे कि इनको डर नहीं लगता है वो अच्छी बात है, अगर इनको डर नहीं लगता, डर लगना भी नहीं चाहिए। हमारा जो देश है वो सबका देश है, और हमारे देश में ये जो तस्वीर है मुझे लगता है कि बड़ी शानदार तस्वीर है। आपका नाम फिर बता दीजिए। भोजराज सेच। भोजराज। भोजराज जी सलाम सैल्यूट है आपको। थैंक यू। और ये जो तस्वीर है ये बचा करके रखनी जरूरी है, और इतनी हिम्मत का काम कर रहे हैं ये, मैंने ऐसी तस्वीर और ऐसी चीज़ जो है वो आज तक नहीं देखी है, और वाकई जो है वो इस तरह से एक ही तस्वीर, एक ही फ्रेम के अंदर वो आप दरगाह की फ़ोटो लगा लें, एक ही फ्रेम में आप राम दरबार की फ़ोटो लगा लें, और एक ही फ्रेम में सब कुछ हो, और फिर आप उनका पूजा करें, ये वाकई अनोखा है। तो बहरहाल अब इससे ज़्यादा शायद कुछ कहने को और पूछने को कुछ बचा नहीं है। आप खुद बताइए कि यहाँ के लोगों का भाईचारा, यहाँ के लोगों का हिंदू मुस्लिम कितना ये लोग लड़ते हैं, और ये कितना लोग जो है एक साथ रहते हैं, इन लोगों से देश के लोग क्या सीख सकते हैं, आप खुद बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।